नमस्कार। एक क्वेश्चन कर लेते हैं लॉगरिथम से। सपोज लॉग एक्स बेस थ्री, लॉग तो आपको पता है ना, लॉग के प्रॉपर्टीज भी आपको पता होंगे, नहीं है तो इस वीडियो के दौरान जो भी यूज होंगे इस क्वेश्चन में वो हम देखेंगे। अगर लॉग एक्स बेस थ्री लॉग वाई बेस ट्वेल्व के बराबर है और जो कि ए के बराबर है, एक्स और वाई पॉजिटिव है, जी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन होता है अगर ए बी दो नंबर्स हैं तो रूट ए बी उसका ज्योमेट्रिक मीन होता है, मतलब ए बी का पावर 1/2। अगर दो नंबर्स हैं, तीन नंबर्स हैं तो 1/3 हो जाएगा पावर में। तो ये तो ज्योमेट्रिक मीन की बात हो गई। तो हमें लॉग जी बेस सिक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अच्छा, जब भी इस तरीके का एक्सप्रेशन हो लॉगरिदम में कि किसी के इक्वल है, तो अगर लॉग एक्स टू द बेस थ्री, ये अगर ए के इक्वल है, तो यहां से हम लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है कि लॉग एक्स बेस वाई अगर जेड के इक्वल है तो हम एक्स को वाई का पावर जेड लिख सकते। ठीक है, ये वाई है उसके बेस पे चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही काम करते हैं, एक्स क्या बन जाएगा? 3 पावर। चलो एटलीस्ट एक्स का वैल्यू तो अलग हुआ। सेम काम हम वहां भी कर सकते हैं, लॉग वाई बेस 12 अगर है हमारे पास तो वाई को भी हम लिख सकते हैं 12 पावर है। आगे बढ़ते हैं, जी ज्योमेट्रिक मीन है एक्स का और वाई का, तो हम बोल सकते हैं कि जो जी है वो एक्स वाई का पावर हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स रूट एक्स वाई। तो जी है वो, अब एक्स वाई का वैल्यू रख दो, ये है 3 पावर है, ये 12 पावर है, तो क्या लिख सकते हैं? 3 पावर है, 12 पावर है। ठीक है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो बेस को कंबाइन कर दो तो 36 का पावर ए हो सकता है। ठीक है, तो इधर से क्या मिलेगा हमें? यहां से हम बोल सकते हैं कि इसे हम लिख सकते हैं 36 का पावर ए और उसका पावर हाफ, तो 36 का पावर ए बाई टू। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट 36 का पावर हाफ और उसका पावर ए। 36 का पावर हाफ इज सेम एज इसका रूट लेना, तो ये हो जाएगा 6 का पावर। तो अगर जी 6 का पावर ए है, ठीक है, और हमें निकालना क्या है? लॉग जी बेस 6। ठीक है, दोनों तरफ लॉग बेस 6 ले लो, हमें पता है कि लॉग में लॉग एक्स का पावर एम है, लेट सपोज कोई बेस भी है, एम सामने आ जाता है, तो ये बन जाता है एम लॉग एक्स टू द बेस। ठीक है, सेम काम यहां भी होगा, ये सामने आ जाएगा। और लॉग 6 बेस 6 बचेगा। अच्छा, लॉग में लॉग ए बेस ए 1 होता है, ये चीज फर्दर 1 हो गया, तो हमारे पास जो निकालना था हमें लॉग जी बेस 6 दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू। थोड़ा फास्टर कर सकते थे, 1 मिनट का टाइम रहता है नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, लेकिन ठीक है, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देके बाकी से आप टाइम का चोरी कर सकते। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।